मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल सेल्फ हेल्प में। तो आज का व्लॉग जो है मेरा कुछ इस प्रकार से है कि अभी सुबह के बज चुके हैं, 9:10 हो चुके हैं सुबह के। मैं पी रही हूँ यहाँ पे अपने लेमन टी और बच्चे को मैंने खाना खिला दिया है, दवाइयाँ खिला दी है। अभी हम उसको 10 बजे करीब ले जाएंगे डॉक्टर के पास, जो उसके इंजेक्शन लगने हैं अभी बाकी हैं। 3 इंजेक्शन लग रहे हैं उसके, नहीं 4 इंजेक्शन है कि अभी लगाएंगे, उसके बाद शाम, फिर कल सुबह, फिर कल शाम को। और उसकी तबीयत जो है पहले से थोड़ा बेटर है, और अभी घर में नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। मेरी ननद जो है वो नाश्ता करके अपने ऑफिस चली गई है, नाश्ता वगैरह लेके। तो फिर पूरा काम तो ख़त्म हो चुका है, अब बैठ के पी चाय, इसके बाद फटाफट पियेंगे, खाएंगे हम नाश्ता और फिर हम चलेंगे डॉक्टर के पास बच्चे को लेके। तो अभी बज चुके हैं 10:20 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ बच्चे को लेके डॉक्टर के पास, और उसके पापा भी आ रहे हैं, वो थोड़ा ऑफिस का काम कर रहे हैं जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था, क्योंकि डी शिफ्ट चालू हो गई है इसलिए वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, और बच्चन को ऑफिस का काम भी नहीं करने दे रहा। आप देख सकते हैं, दिखा देते हो आपको, इतना स्ट्रगल लाइफ चल रहा है। देखिए कोको आ जा बेटा मेरे गोद में, तो आ जा, आ जा, ये देखो ये है असली स्ट्रगल, इसको बोलते हैं असली स्ट्रगल। प्लीज यहाँ पे हाथ में, और यहाँ पे बैठी है मेरी सिस्टर, बहुत स्मार्ट लग रही है, सच में बहुत अच्छी लग रही है, मजाक बनाने का कहीं, सच में कह रही हूँ। अभी आप लोग प्लीज बताना, चमक रही ना आगे से, आप लोग प्लीज बताना कि अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो जो भी है अभी जाएंगे हम, बस फटाफट वैक्सीन लगा के आएंगे, धूप हो रही है बहुत तेज। तो हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं बच्चे क्या, कहाँ जा रहे हैं हम, गाँव में। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ हॉस्पिटल में, देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है बिरमानी हॉस्पिटल। तो हम लोग जो है वहाँ से हॉस्पिटल से आ गए हैं, आज भीड़ बहुत कम थी, बहुत जल्दी आ गए हम, है ना, आधे घंटे में आ गए हम लोग घर पे, आधा घंटा में, हाँ मतलब आधे घंटे में आ गए हैं। और गेट खोलना खराब है, और यहाँ पे मेरा बच्चू है, मेरा पीटू पानी पी रहा है। बच्चू क्या हुआ, क्या चाहिए मम जी? तो अभी मैंने लाइट बंद करके थोड़ा अंधेरा आ रखा है, क्योंकि जो है मेरा बेटा वो सोया हुआ है, अगर लाइट खोलूँगी तो उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। और अभी बज चुके हैं 11:30, 12 बजे हम खाना बनाना शुरू करेंगे दिन का, और दिन के खाने में क्या बनाएंगे ये तो पता नहीं है, क्या बनाऊँ आज पता नहीं किसी को, देखते। तो आप लोग को बताती हूँ कि कल हम क्या हुआ, हम स्कूटी में जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो रास्ते में ना पुलिस खड़ी थी, और हमारे पास हेलमेट तो था लेकिन हम वो लाइसेंस ले जाना भूल गए थे, मेरे हस्बैंड घर पे पर्स पूरा घर पे ही छोड़ गए थे। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे और आगे देखा तो वहाँ पुलिस खड़ी थी और सबको रोक रही थी, मतलब लाइसेंस के लिए। तो हमने क्या किया, उससे पहले ही उतर गई मैं, और वहाँ पे केले वाला केले बेच रहा था, तो वो उतरी तो मैंने उससे केले खरीद लिए और उसमें बैठे और पुलिस के आगे से पीछे को निकल लिए बहुत मजा आया, वरना चालान कटता सच में, ऐसा करना नहीं चाहिए। जब भी हम कहीं जाते हैं अपना लाइसेंस अपना हेलमेट वगैरह लेके जाना चाहिए, लेकिन कल क्या हुआ, वो अपने पर्स ही घर पे भूल गए थे, तो और हेलमेट था हमारे पास लेकिन पर्स नहीं था, इसीलिए आपको दिखाती हूँ इसमें से केले खा चुके हैं, और ये केले लिए थे मैंने कल वहाँ से। तो बहुत हंसी आ रही थी, तब बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो अब फटाफट ये ग्रेप्स वगैरह खाते हैं। और तो मैंने यहाँ पे अपने बहन को बोला कि अपने जीजू को यह अंगूर दे क्या, वो वहाँ पे ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो बोलती है मैंने जा रही, तो मैंने बोला कि बोलने में प्लीज़ यार मैंने जा रही तू चले जा। तो मैंने कहा इससे कि तू जीजू से बोलना, जीजू मेरे पैर हैं लंगूर, तुम कहा लो अंगूर। बोली मैं आप तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी देने के लिए, खुद चले जाओ। सच बताना कि आपको मेरी ये जो मैंने एक एक लाइन की जो राइम बनाई है वो कैसी लगी आपको मेरी?
अगर आपको पसंद आएगी तो मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी फिर से। तो क्या क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं यार, मैं दी आती हूँ। पति मेरे, इनका क्या है भाई? सब गाना आपको मेरा वीडियो बनाना पसंद है कि नहीं यार? जनता जानना चाहती है कि ये क्या अपने मन से वीडियो बना रही है या फिर इनके हस्बैंड इनका साथ देते हैं। जनता ने एक बार भी कमेंट नहीं किया है, पर फिर भी बता दो बता दो। नहीं, मैं चाहता हूँ वीडियो बनाओ। हैं? क्यों क्यों क्यों? चल ये बता दो, क्यों क्यों चाहते हैं? खट्टे बनना बहुत ही अच्छे नहीं हो रहे? खट्टे मीठे हो रहे हैं। अब बताऊँगी जो खट्टा लाया होगा दो बहनों में से, जो मीठा लाया होगा पूछना पड़ेगा। बताओ क्या? अगर मेरी बहन है, जो मेरी दो बहनें हैं, मेरी सिस्टर है, अगर वो देख रही हैं ये, तो ये अंगूर एक के खट्टे हैं इसमें और एक वाले मीठे हो रहे हैं। खट्टे किसके, मीठे किसके, प्लीज़ कमेंट करके बता देना, क्योंकि अगली बार जब मैं तुम्हारे वहाँ आऊँगी तो वही मैं भी लेके आऊँगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ बात। बताओ क्या क्या बताऊँ कि मैं क्यों क्यों बनाऊँ वीडियो? कैमरा दे दो। वीडियो तुम तो इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि अगर तुम वीडियो बनाते रहोगे तो तुम कम खाओगे। हर पति को लगता है कि मैं उसको सर खा रही हूँ। आपको लगता है ये अंगूर लेके आई हूँ इधर सर खा रही हो तो मैं क्यों लेके आती भाई? आज से इनका दिखना कैमरे में कैंसल। एक्चुअल बात यह है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा तंगी आ गई है घर में। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मेरे को अच्छा लगता है बनाना, इसलिए मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए बना रही हूँ। क्योंकि ये तो टाइम स्पेंड करते हैं दिन रात। देखो जब देखो इनकी नाइट शिफ्ट चलती रहती है। पिछले 2 साल से इनको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली। एक दिन की छुट्टी नहीं मिली ना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है इन्होंने। और जब बच्चा हॉस्पिटल में था वहाँ पे भी रात को लैपटॉप लेके आए थे, काम कर रहे थे। इनकी भी गलती नहीं है वैसे तो, काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, है ना? लेकिन जो भी है, ये काम करते रहे, मैं वीडियो बनाती रहूँ, चलता रहेगा सही से। चलो मिलते हैं आपके दिन के खाना बनाने के बाद या फिर खाना बनाने से पहले, कभी भी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों लाइट जो है यहाँ पे चली गई है और देखिए इधर आओ, इनकी फरमाइश कुछ आई है। पता ना क्या फरमाइश आई है आपकी, जरा बता दो यार। मैं चाहता हूँ कि आज वेज बिरयानी बनाया जाए या रोज दाल चावल बना। हमने सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं झूठ बोलो 2-3 दिन तो हम हॉस्पिटल में थे तो हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि बच्चे की टेंशन इतनी थी कि एक टाइम खाना खाते थे, मतलब तो सुबह और दिन के बीच में खाना खाते थे 11 बजे के करीब, तो फिर रात को खाते थे। और कल इन्होंने दाल खाई है, दाल चावल, और आपको पता ही है मैं रेसिपी डालती रहती हूँ, ठीक है? और जो झूठ बोलो मैं आधा चावल खा लो प्लीज़ एक बार, और फिर यहाँ अब मैं दाल नहीं बनाऊँगी। इन्होंने बोल दिया चावल तो मैंने रख दिए मेरी बहन ने, बट अब दाल नहीं बनाएंगे। मैंने क्या बनाया बोली बता, चावल सूखे चावल खाएंगे। फरमाइश है कि हम सूखे चावल खाएंगे। बताओ ना क्या खाओगे? मैं कब से पूछ रही हूँ इन लोगों से कि क्या खाओगे, क्या बताया था ऐसे अच्छा लगेगा तो और खुलाओगे और बताओ। मनु खाले अंगूर, पैनल अंगूर। बताओ ना यार क्या खाना है आज? आ जाओ यार, वेज बिरयानी खानी है। ऐसा करें चावल को लेके बाहर चले होटल, ऐसा करो चावल कुकर लेके होटल चल लेते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ जाके दाल बिरयानी बना दो बस। हम चावल घर से लेके आए हैं, ना चावल बर्बाद जाएंगे ना कुछ, जो वीडियो बना रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अभी मिलेंगे यार, अभी से व्लॉग कैसे खत्म कर सकते हो? पीछे बैठ के अंगूर खा रही है। और तो मैंने इनको बोला है कल हम बनाएंगे इनके लिए बिरयानी, तो रेसिपी मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। बिरयानी खानी है ना आपको कल? हाँ, तो ये खुद ही कल बिरयानी बनाएंगे और हम लोग को खिलाएंगे, क्योंकि बहुत खाने का मन है। हमारा खाने का मन नहीं है तो हम क्यों बनाए? आप बनाओगे ठीक है ना? पक्का? अरे यार प्रॉमिस कर दो यार दोस्तों को कि आप बनाने वाले, तो तुम्हें मान लो। प्रॉमिस नहीं है। तो यहाँ पे लाइट जा चुकी है, आपको मैंने रेसिपी बताया था अभी कि लाइट जा चुकी है। तो इस लाइट जब जा चुकी है सब इरिटेट हो रखे हैं, और इस माहौल में अगर आप किसी को और इरिटेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे बच्चे ने यहाँ पे लाइट बंद कर दी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके लिए गाना गा देती हूँ, ठीक है? सुनो आपके लिए गाना,
आपके लिए गाना। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। और इससे आगे मैं गाना नहीं गा सकती क्योंकि इतने अंधेरे में बैठा है यार, क्या बोलूँ यार। ठीक है, सबका अपना अपना चल रहा है, मैं चलती हूँ अपना खाना बनाने की तरफ। तो दोस्तों अभी बच चुका है एक और मैं दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी जो की रेसिपी है थोड़ा अलग रेसिपी बता रही हूँ मैं कढ़ी बनाने की आज जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसकी रेसिपी ज़रूर देखना, मैं इसको इसकी रेसिपी जो है वो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ ज़रूर देखिए इसको और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिर फटाफट बना देती हूँ खाना उसके बाद। तो 3 बजने वाला है और हम लोगों ने खाना खा लिया है और ये देख सकते हैं आप। कुकु देखो बेटा, बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया। देख लीजिए तो हाय बोल दो बेटा, हाय बोल फिर चीजी मिलेगा, हाय बोल बोल देना। जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो चीज़ खाने के लिए बोलते हैं जो उनको नहीं खानी होती है। मामा वैसे इसका हाल है, तब से मेरे पीछे पड़ा। मम्मा चिप्स कुरकुरे मम्मा क्या मम्मा क्या है पिचकारी वो भाई भाई है वो बाऊची क्या है ऊची ओ फ्री वहाँ मम्मा। अपना हैंड दिखा दो, अपना हैंड दिखा दो, जय करो चलो जय करो। ये मुझसे बोला बाहर बहुत इतनी धूप हो रही वहाँ जाने के लिए बोला, नहीं बेटा बाहर धूप में जाते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं काट रही हूँ खरबूजा वाटरमेलन काट रही हूँ। हमको इंग्लिश में से वाटरमेलन बोलना आता है और हमारे अंग्रेजी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, ठीक छू ठीक हूँ, यहाँ पे हमारी इंग्लिश ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसको काट दूँगी, सबको एक एक चीज़ बना के दूँगी। तो शाम के बज चुके हैं 6:30 और अब हम फिर से जा रहे हैं बच्चों को लेके हॉस्पिटल क्योंकि उसको तो उसका सेकेंड जो वैक्सीन है वो लगनी है। तो फटाफट ले जाते हैं बच्चे को, फिर आके आप लोगों को मिलते हैं। चलो जल्दी आना, ठीक है, गुड बाय। ये देखिए हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम। क्या निकल चुके हैं, हम आए हैं यहाँ पे सफल पे सब्जियाँ खरीदने के लिए। मम्मा तो हमने लिया है बच्चे के लिए। ये आपको पता है कि बच्चे के साथ कभी नहीं जी सकते, इतना महंगा दिया इन लोगों ने फिर भी लेना पड़ा। क्या तो हम लोग जो है वो घर आ चुके हैं। हाँ नहा लिया और ये घर आने के बाद नहा के भी आ चुके हैं और मेरा बच्चा खा रहा है ओट्स और ये अभी खेल रहा है। आप कुछ ही बताओ इसको कलर के नाम पता है कैसे? देखो देखो खुद नहीं पता कैसे पता तुम्हें कौन सा कलर है और ये कुछ कुछ कलर के नाम ले रहा है अपने मन से। देखो
हमने सिखाया कुछ भी नहीं, हमने ट्रेजेडी हो गई कि अपने मन से कलर के नाम इसको पता लग गया। तो फटाफट बच्चे को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी सब्जी और रोटी। सब्जी जो मैं बनाऊंगी उसकी रेसिपी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और देखना ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो हम अपने ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके कल के ब्लॉग में। और टाइम हो चुका है 9:30 का, अब हम खा रहे हैं खाना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में।